हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का एडुकेटर प्लस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। हमने पिछली क्लास में एंशिएंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में डिस्कस किया था, एंशिएंट इंडिया में कैसे एजुकेशन सिस्टम था उसके बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम कुछ मेजर इंस्टीट्यूशन को देखेंगे जो एंशिएंट इंडिया में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इन इंस्टीट्यूशन का आखिर डिक्लाइन क्यों हुआ। तो स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। सबसे पहले अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें तो एंशिएंट इंडिया में एक प्रोमिनेंट पोजीशन जो था एजुकेशन को लेके, चाहे वो सोशल एजुकेशन हो, मॉरल एजुकेशन हो या इकोनॉमिक एजुकेशन हो, इन सब को लेके जो एक रोल था इंडिया का वो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट था। बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे जिसमें से सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट कौन से थे, सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट थे हमारे बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस। बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस जो थे दे वर वेरी वेरी प्रोमिनेंट एट दैट टाइम। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन के लिए। ये चैप्टर और ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो फ्रेम होते हैं हायर एजुकेशन सेक्शन में वो इसी टॉपिक से आते हैं कि कौन सा यूनिवर्सिटी किस टाइम पे एस्टैब्लिश हुआ था, कौन सी यूनिवर्सिटी की क्या खास बात थी, ये सारी चीजें आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा यूनिवर्सिटी था दैट वाज व्हाट, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो तक्षशिला क्या था, तक्षशिला वॉज द कैपिटल ऑफ गांधार किंगडम। तक्षशिला वॉज व्हाट, इट वॉज द कैपिटल ऑफ गांधार किंगडम। गांधार किंगडम जो था उसका कैपिटल हमारा तक्षशिला हुआ करता था। अब तक्षशिला जो था, ऐसा भी कहा जाता है कि इट वॉज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड अक्रॉस द ग्लोब इन 7th century BCE। इट वॉज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी, कब इसको स्टैब्लिश किया गया था, 7th century BCE में इसको स्टैब्लिश किया गया था तक्षशिला यूनिवर्सिटी को। अगर हुआंग त्सांग की बात माने, हुआंग त्सांग जो थे उन्होंने अपने रिकॉर्ड में मेंशन किया है कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो था वो बहुत ही अच्छा था और इट वॉज एट पार विद द अदर यूनिवर्सिटीज लाइक नालंदा एंड विक्रमशिला। तो इससे हमें क्या पता चलता है, हुआंग त्सांग ने अपनी बुक में तक्षशिला यूनिवर्सिटी का मेंशन किया था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी का मेंशन किया था हुआंग त्सांग ने अपनी किताब में। तक्षशिला की अगर बात करें तो इट वॉज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ब्राह्मणिकल एजुकेशन। किसका इंपॉर्टेंट सेंटर था, ब्राह्मणिकल एजुकेशन जो था उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर जो था, एक इंपॉर्टेंट सेंटर जो था वो हमारा क्या था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। जो यहाँ पे तक्षशिला जो था वो ब्राह्मणिकल एक एजुकेशन सेंटर था और साथ में इसने जो दूसरे रिलीजन थे, जैसे बुद्धिज्म उस टाइम पे प्रोमिनेंट था, तो ऐसा नहीं था सिर्फ ब्राह्मण्स ही पढ़ते थे, जो स्टूडेंट्स थे वो बुद्धिस्ट भी हो सकते थे, ब्राह्मण्स भी हो सकते थे, कोई भी हो सकते थे, लेकिन एजुकेशन सिस्टम जो था वो मोस्ट प्रोबेबली, मोस्ट कॉमनली इट वॉज ब्राह्मणिकल। इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट आते थे अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से, अलग अलग नेशन से, बहुत सारे लोग यहाँ पे तक्षशिला में पढ़ने के लिए आते थे। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है उसका इंपॉर्टेंस मेडिकल स्टडीज में भी था, इट वॉज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द मेडिकल स्टडीज। जो मेडिकल स्टडीज होती थी उसके लिए भी तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो था वो बहुत ज्यादा फेमस था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो आपने एक नाम सुना होगा, पाणिनी। पाणिनी कौन थे, ही वॉज अ वेरी गुड ग्रामेरियन। पाणिनी जो थे उनका जो वेल नोन ग्रामेरियन थे, इन्होंने भी इस यूनिवर्सिटी से कहीं ना कहीं ये लिंक थे। उसके अलावा कौटिल्या, कौटिल्या का नाम भी आपने सुना होगा, कौटिल्या अर्थशास्त्र, चंद्रगुप्त मौर्य के ये मिनिस्टर हुआ करते थे, तो ये भी रिलेटेड थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी से। दीज वर सम इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रिलेटेड टू तक्षशिला यूनिवर्सिटी।
ओके। इसके अलावा चरक, चरक का भी नाम सुना होगा, जैसा मैंने बताया तक्षशिला मेडिकल स्टडीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, तो इसके एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी कौन थे? चरक। चरक एक मेडिकल टीचर थे, उनका बहुत ज्यादा रेपुटेशन था, तो चरक वॉज ऑल्सो रिलेटेड टू मेडिकल, ही वॉज अ मेडिकल टीचर, ही वॉज ऑल्सो रिलेटेड टू वॉट, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो ऐसा नहीं था कि मतलब ये बहुत ज्यादा बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी था, और साथ में ये बहुत ज्यादा पॉपुलरली ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन नहीं था या यूनिवर्सिटी नहीं था, और साथ ही जो एडमिशन होता था वो डिसीजन टीचर के ऊपर होता था, मतलब जो एडमिशन का क्राइटेरिया होता था, अगर आपने एक सीरियल आता था पहले कौटिल्य वीरता की मिसाल है चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त, तो उसमें आपने देखा होगा जो कौटिल्य थे या जो चाणक्य जिनको हम मानते हैं कि चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ये सब एक ही पर्सनालिटी थे, तो कौटिल्य लेके आए थे चंद्रगुप्त को तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, अगर आपने सीरियल देखा हो तो आपको पता होगा। तो एडमिशन प्रोसेस से हम क्या देख सकते हैं, जो स्टूडेंट्स थे वो कैसे आते थे, एज पर डिसीजन ऑफ द टीचर, स्टूडेंट एज पर डिसीजन ऑफ टीचर, टीचर डिसाइड करेगा कि क्या एडमिशन प्रोसेस होगा, क्या वो बच्चा फिट है या नहीं है, ठीक है, और वो डिसाइड करते थे कि क्या उनको सब्जेक्ट पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या करिकुलम होगा, ये सब टीचर के ऊपर, मतलब टीचर की चॉइस के ऊपर था। यूजुअली मिनिमम एज जो इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने की होती थी, मिनिमम एज दैट वॉज समवेयर अराउंड 16 ईयर्स, 16 साल की उम्र मिनिमम होनी चाहिए तभी एडमिशन हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे जो एडमिशन हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, टीचर के डिसीजन पे, तो इसीलिए कोई भी एग्जाम सिस्टम नहीं था, और इसीलिए यहाँ पे देयर वॉज नो एग्जाम सिस्टम, और इसीलिए डिग्रीज और डिप्लोमास नहीं दिए जाते थे, क्योंकि कोई एग्जाम सिस्टम नहीं था, इसीलिए नो एग्जाम सिस्टम, नो डिग्री या डिप्लोमा, ना ही उनको डिग्री मिलता था ना ही उनको डिप्लोमा मिलता था। मेन ब्रांचेस जो थी उस टाइम पे स्टडी की तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, दैट वाज वेद त्रयी, दैट वाज व्हाट, वेद त्रयी। अब वेद त्रयी का क्या मतलब है, वेद त्रयी मतलब होता है तीन वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, अथर्ववेद। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया, कई लोग ऐसा मानते हैं कि जो अथर्ववेद है वो नॉन आर्यन ने लिखा है या किसी राक्षस ने लिखा है, इस टाइप से बोला जाता है, तो उसको वेद त्रयी में नहीं डाला जाता। वेद त्रयी जो होता है वो हमारा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद होता है। इसके अलावा ब्रांचेस ऑफ स्टडी है, ये ब्रांचेस ऑफ स्टडी क्या क्या है, वेद त्रयी, इसके अलावा वेदांत का स्टडी जो होता था वो करवाया जाता था, वेदांत, इसके अलावा क्या पढ़ाया जाता था, व्याकरण, व्याकरण। अब जैसा मैंने आपको बताया दिस वॉज अ फेमस फॉर इट्स मेडिकल साइंस दिस यूनिवर्सिटी, तो आयुर्वेदा उस टाइम पे बहुत फेमस था, तो आयुर्वेदा भी पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा 18 शिल्प या 18 सिपास, जो भी कहें, शिल्प या सिपास, क्राफ्ट जो होते हैं उसको शिल्प बोलते हैं और उसी को सिप भी बोलते हैं, बुद्धिज्म में यूजुअली इसको सिप बोला जाता है, सिपास बोला जाता है, और संस्कृत में इसको शिल्प बोला जाता है, तो वो भी सिखाया जाता था। साथ में मिलिट्री एजुकेशन दी जाती थी, मिलिट्री एजुकेशन, उसके अलावा एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी इसकी भी शिक्षा दी जाती थी, इसके अलावा एग्रीकल्चर और आपका एग्रीकल्चर पढ़ाया जाता था और कॉमर्स हो गया, तो ये सारी चीजें यहाँ पे बेसिकली पढ़ाई जाती थी। ये सारा जो फील्ड होता था स्टडी का होता था, ये ब्रांच होता था स्टडी का, ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग सेंटर था। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपने सीरियल देखा होगा वीरता की मिसाल है चंद्रगुप्त, तो उसमें उसको मिलिट्री ट्रीटमेंट दी जाती है, वहां पे तक्षशिला में ही लाया जाता है, चाणक्य जो होते हैं वो उनको तक्षशिला में लाते हैं, वहां पे उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग दी जाती है। तो उससे हम क्या डिसाइफर कर सकते हैं कि इट वॉज पॉप्युलर फॉर वॉट, मिलिट्री ट्रेनिंग,
मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए ये बहुत ज्यादा पॉपुलर था, एक ट्रेनिंग सेंटर की तरह ये काम कर रहा था, इंडियन मिलिट्री साइंसेज यहाँ पे सिखाई जाती थी। पाणिनि जो थे वो एक बहुत फेमस ग्रामेरियन थे, तो ये जो थे इनका भी कहीं ना कहीं रिलेशन जो है वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी से था, और मैंने जो इम्पोर्टेंट नाम बताए वो सारा इससे रिलेटेड है, जैसे कि कौटिल्य हो गए, पाणिनि हो गए, चरक हो गए, ये सब हो गए। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटीज की एक क्या खास बात थी, देयर वॉज नो कास्ट डिफरेंसिएशन या डिस्टिंक्शन, कोई भी कास्ट डिफरेंसिएशन नहीं था या कास्ट डिस्टिंक्शन नहीं था। और तक्षशिला जो था वो कहीं ना कहीं मतलब एक लिंक की तरह काम कर रहा था, यहाँ पे ग्रीक था, यहाँ पे हमारा इंडिया था, यहाँ पे शायद तक्षशिला होगा, यहाँ पे इस जगह पे सिचुएटेड होगा क्या तक्षशिला, तो इसीलिए इसके ऊपर ग्रीक कल्चर का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। ठीक है, ग्रीक कल्चर का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। तो ये थी हमारी पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी ये देखिए इमेज है इसकी, बिहार में सिचुएटेड है। कहां पे ये सिचुएटेड था, इट वॉज लोकेटेड नियर राजगीर। अब आपको अगर पता हो जिस टाइम पे 16 महाजनपद थे, जिस टाइम पे 16 महाजनपद हुआ करते थे, तो उसमें एक महाजनपद था मगध। मगध साम्राज्य के बारे में आप सबने सुना होगा। तो मगध जब हरियाणका डायनेस्टी के टाइम पे था, मतलब जो हमारे नंदास थे उससे पहले हमारे हरियाणका डायनेस्टीज थे, अब ये जो हरियाणका डायनेस्टीज थे जिस टाइम पे मतलब बुद्धिज्म जैनिज्म ये रिलीजियंस आ रहे थे, उस टाइम पे हरियाणका डायनेस्टी जो थे वो मगध के रूलर्स थे। तो मगध का जो रूलर्स था हरियाणका डायनेस्टी, उसमें बिंबिसार आते हैं, अजातशत्रु आते हैं, उद्यान आते हैं। तो उद्यान से पहले के टाइम पे जो यहाँ की कैपिटल थी दैट वॉज वॉट राजगृहा, और इसका दूसरा नाम क्या है, गिरिव्रज। तो गिरिव्रज, राजगृहा, ये सब जो नाम है, दिस वॉज द अर्लियर कैपिटल ऑफ मगध साम्राज्य या मगध डायनेस्टी। अब ये जो था ये स्पेसिफिकली जियोपॉलिटिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। कैसे, क्योंकि तीन साइड से या चारों साइड से ये पहाड़ से घिरा हुआ था, तो अगर कोई भी इन्वेजन होता तो वो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे इन्वेजन हो नहीं सकता था, क्योंकि चारों साइड से तो पहाड़ हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा सिक्योर प्लेस था राजगृहा। तो वहीं पे उसी के आसपास सिचुएटेड था हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी, दैट वॉज लोकेटेड नियर द राजगीर या राजगृहा, राजगृहा, ओके, राजगृहा के पास था ये, बिहार में पड़ता है। और ये एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है, सरितपुत्ता, सरितपुत्ता ये कौन थे, ये बहुत ही फेवरेट डिसाइपल थे लॉर्ड बुद्धा के, लॉर्ड बुद्धा के फेवरेट डिसाइपल, मतलब चेले थे, ठीक है, उनको फॉलो करते थे। तो सरितपुत्ता का जन्म, बर्थ जो था वो नालंदा में ही हुआ था, नालंदा यूनिवर्सिटी, इट वाज अ प्लेस ऑफ सरितपुत्ता बर्थ, ओके। और ये जो यूनिवर्सिटी थी इट वाज क्लोजली लिंक्ड विद महायान, ओके, इट वाज क्लोजली लिंक्ड विद व्हाट, महायान, ओके। ये एक बुद्धिस्ट सेंटर था लर्निंग का, कब से कब तक, फ्रॉम 427 CE, 427 CE से 1197 CE तक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर रहा है। और ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ एंशियंट टाइम की अगर बात करें तो नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज वन अमंग देम। और ये जो यूनिवर्सिटी था नालंदा यूनिवर्सिटी, इट वॉज अ वेरी फेमस एजुकेशनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब दूर दूर से लोग, जैसे अभी के टाइम पे आप ऑक्सफोर्ड कहते हैं, कैम्ब्रिज कहते हैं, पेरिस यूनिवर्सिटी कहते हैं, हॉवर्ड कहते हैं, तो उस टाइम का हॉवर्ड था हमारा नालंदा यूनिवर्सिटीज। एक कहा जाता है एक एस्टिमेट के थ्रू कि एक टाइम पे वहां पे 10,000 मॉन्क्स रहते थे नालंदा यूनिवर्सिटी में, जिसमें से 1510 जो थे वो टीचर थे और 8,500 जो थे वो स्टूडेंट्स थे, और वो सब कोई
नालंदा यूनिवर्सिटी में रहते थे, मतलब इसकी अकोमोडेटिंग फैसिलिटी कितनी अच्छी रही होगी, कितना बड़ा रहा होगा, कितना विशाल रहा होगा, आप इस डेटा से पता लगा सकते हैं। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट जो थे उसको पढ़ते थे। जैसा मैंने आपको बताया 427 CE से 1197 CE तक इसका इंपॉर्टेंट टेन्योर था। इस टाइम पे ये एजुकेशनल सेंटर इंपॉर्टेंस का था, लेकिन 450 CE जो है उसको हम कंसीडर करते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब रियल इंपॉर्टेंस जो होता है वो इस टाइम पे आया था नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर। और जो ये नालंदा यूनिवर्सिटी था ये 3 सेंचुरीज तक इंपॉर्टेंट रहा है। हुआंग त्सांग इस यूनिवर्सिटी में कब आए, 7th सेंचुरी में आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपसे आपके एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि हुआंग त्सांग किस टाइम पे इंडिया में आए थे, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि इन 7th सेंचुरी जो है उसमें हुआंग त्सांग इंडिया में आए थे और नालंदा यूनिवर्सिटी में आए थे, ठीक है। उसके अलावा ये बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कब किया, ये बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया था गुप्ता डायनेस्टी के टाइम में, प्रोग्रेस्ड ड्यूरिंग गुप्ता टाइम पीरियड में ये बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया था, ठीक है। और 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी को, मतलब बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया गया है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इट इज नॉट दैट यूनिवर्सिटी, मतलब जो उस टाइम पे था वो नहीं था, एक और यूनिवर्सिटी बनाई गई है नालंदा यूनिवर्सिटी 2010 में बिहार में, इसी को याद करते हुए। और इसको कोलैबोरेट किस किस कंट्रीज ने किया है, जापान, चाइना, थाईलैंड, लाओस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, इन सब ने कोलैबोरेट किया है अलग अलग तरीकों से। अब अगर हम इसकी पुराने वाले नालंदा यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा रेनाउंड था, कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर था इसका। तो ये यूनिवर्सिटी जो था फेमस किस लिए था, इट वॉज फेमस फॉर द फैकल्टी ऑफ लॉजिक। लॉजिक के फैकल्टीज जो थे वो बहुत ज्यादा फेमस थे यहाँ पे। अगर इंपॉर्टेंट टीचर की बात करें, मतलब टीचर इंचार्ज जो थे वो कौन थे, द्वारपंदी। टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द्वारपंडी, PANDI, द्वारपंडी जो थे वो टीचर, ही वॉज द टीचर इन चार्ज ऑफ द एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी, टीचर इन चार्ज ऑफ एडमिशन इन यूनिवर्सिटी, इट इज द्वारपंडी, PANDI, ओके, द्वारपंडी, ठीक है। बहुत बड़े बड़े 8 बड़े बड़े हॉल थे जिनका नाम क्या था, समग्रमा। समग्रमा वॉज द 8 बिग हॉल जिसको क्या कहा जाता था, समग्रमा, SAMGHARAMA, समग्रमा जो था दैट वॉज द 8 बिग हॉल्स। और 300 स्टूडेंट उस टाइम पे इस पर्टिकुलर एरिया में बैठ के पढ़ सकते थे। और ये बहुत बड़ा सेंटर ऑफ लर्निंग था थ्रू आउट द एशिया, पूरे एशिया में अलग अलग कंट्री से लोग आते थे। तो इसीलिए क्योंकि ये इतना फेमस था, इसका जो एडमिशन क्राइटेरिया था, टफ क्राइटेरिया फॉर एडमिशन, यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता था, और उसके बाद सिलेक्शन होता था, और उसके बाद कोई नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है। मिनिमम एज की अगर बात करें तो क्या होती थी, मिनिमम एज 21 साल, 21 ईयर्स, 21 ईयर्स जो था वो हमारा मिनिमम एज होता था, 20 to 21, 20 से 21 साल तक ये जो है एज होता था, मिनिमम एज क्राइटेरिया। और बहुत सारी फैसिलिटीज जो थी दैट वॉज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। चांसलर को कुलपति कहा जाता था, कुलपति या चांसलर जो थे वो हमारे यूनिवर्सिटी के चांसलर होते थे। और इन्होंने ये, मतलब जितना भी एजुकेशन है इनको सिलेक्ट कैसे किया जाता था, इनको सिलेक्ट किया जाता था कि ये कितने सूत्र के, कितने शास्त्र के ज्ञाता हैं। तो कुलपति और चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी वॉज शीलभद्र। शीलभद्र का क्या मतलब था, शीलभद्र जो
जितने भी सूत्र हैं, who had studied all the sutras and the shastras, जिसने सारे सूत्रास को और शास्त्रास को पढ़ लिया है उसको शीलभद्र कहा जाता था, वो चांसलर बनते थे या वो कुलपति बनते थे। तीन मेथड ऑफ टीचिंग होती थी, यहाँ पे थ्री मेथड ऑफ टीचिंग को फॉलो किया जाता था। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मेथड ऑफ टीचिंग जो थी वो पहले की तरह ही थी। सबसे पहला होता था वर्बल, दूसरा होता था वर्बल तो बता दिया, उसके बाद क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेनेटरी होता था। उसके अलावा जो लेक्चरर के थ्रू, मतलब एक्सप्लेनेटरी या लेक्चर्स के थ्रू दिया जाता था उनको नॉलेज, और उसके बाद होता था डिबेट्स एंड डिस्कशन। डिबेट्स और डिस्कशन जो होता था वो किया जाता था। तो ये तीन तरीके होते थे जिसके थ्रू पढ़ाया जाता था बच्चों को। यूनिवर्सिटीज की अगर बात करें तो उनका वो बहुत ही बड़े, मतलब लाइब्रेरीज थे उस यूनिवर्सिटी में, बहुत ज़्यादा रेपुटेशन था, मेन स्टोरीज थी, बहुत सारी मेन स्टोरीज थी। तो जो लाइब्रेरी होते थे उनके जो डिपार्टमेंट होते थे, इट हैड थ्री डिपार्टमेंट कॉल्ड द रत्नासागर। रत्नासागर वहां की लाइब्रेरी के डिपार्टमेंट होते थे, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट रत्नासागर, रत्नासागर वॉज लाइब्रेरी डिपार्टमेंट। और नालंदा का अलग से कंट्रीब्यूशन है जो भी इंडियन कल्चर है उसके एक्सपेंशन में, इवोल्यूशन में, रिफाइनमेंट में। अब नालंदा यूनिवर्सिटी इतनी ग्रेट थी, इसका खात्मा कैसे हुआ, इसका खात्मा किया किसने, बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी या बख्तियार खिलजी, जो भी आप बोलना चाहे, बख्तियार खिलजी जो थे उन्होंने इस पूरे यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। कब डिस्ट्रॉय किया, एट द एंड ऑफ 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी के एंड में इसने, जो बख्तियार खिलजी है उसने क्या किया, यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया, डिस्ट्रॉयड। ओके, सो विद दिस हमारा जो नालंदा यूनिवर्सिटी था उसका भी खात्मा हो गया। बहुत ग्रेट यूनिवर्सिटी था, इसके कारण उसने क्या किया था, पूरा जो भी एक स्टोरी है बहुत फेमस है, अब कितनी सच है कितनी गलत मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुनी है कि जिस टाइम पे बख्तियार खिलजी बिहार आया था उस टाइम पे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अब जो नालंदा यूनिवर्सिटी था वो बहुत ही ज्यादा फेमस था अपने मेडिकल साइंसेस के लिए, तो डॉक्टर्स ने उसको दवाई दी, जो भी वैद्य थे वहां के उन्होंने उसे दवाई दी, उसने खाने से मना कर दिया क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा, एक कहते हैं ना एकदम ऑर्थोडॉक्स टाइप का मुस्लिम जो होता है वो था। तो अब उसने खाने से मना कर दिया, तो फिर उन लोगों ने सोचा कि कैसे इसको ठीक कराया जाए। तो उन्होंने उसके कुरान पे, वो जो कुरान की किताब पढ़ता था, वो एक किताब पढ़ता था, उसके एंड में जैसे लोगों की आदत होती है चार्ट के किताब का पन्ना पलटने की, तो वो चार्ट की किताब का पन्ना पलटता था, उस पन्नों पे उसने दवाई लगा दी थी, डॉक्टर्स ने उस पन्नों पे दवाई लगा दी थी। तो धीरे धीरे जैसे वो कुरान पढ़ते जा रहा था वो ठीक भी होते जा रहा था, तो उसको लगा कि मैं कुरान पढ़ने से ठीक हो गया। फिर बाद में डॉक्टर्स ने बताया कि नहीं, आप कुरान पढ़ने से ठीक नहीं हुए हैं, कुरान के पन्नों पे हमने दवाई लगा दी थी, तो जैसे ही आप उसको चाटते थे तो वो दवाई का अंश आपके मुंह में चला जाता था। इस बात से गुस्सा होके, ऐसा कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, वहां पे आग लगा दी, और आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि बहुत दिनों तक, 20-30 दिनों तक ये आग लगी रही, और बुझाने के लिए जितना भी इसका लाइब्रेरी था, बहुत रिच लाइब्रेरी था, वहां पे बहुत सारे कंटेंट थे, सब कुछ जल के खत्म हो गया। तो नालंदा यूनिवर्सिटी का डिमाइस ऐसे हुआ, नालंदा यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद हमारी जो अनदर मेजर यूनिवर्सिटी है, दैट इज व्हाट, वल्लभी यूनिवर्सिटी। वल्लभी यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो वांग त्सांग और इत्सिंग ने वल्लभी यूनिवर्सिटी को वेस्टर्न साइड जो है इंडिया का वहां पे पाया था, मोस्ट प्रोबेबली इट वॉज इन द एरिया ऑफ गुजरात। तो वांग त्सांग एंड इत्सिंग, ये दो नाम हम याद रखेंगे, वांग त्सांग और इत्सिंग, इन्होंने वल्लभी यूनिवर्सिटी को मेंशन किया है, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। अब ये सिर्फ और सिर्फ एक रिलीजियस सेंटर नहीं था, इसमें बहुत सारे सेक्युलर सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे, जैसे कि हो गया अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों ही सेंस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
उसके अलावा नीति शास्त्र, नीति शास्त्र हमारा जो भी लॉ से रिलेटेड है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा शास्त्र, मतलब जो हमारा चिकित्सा शास्त्र, जो हमारा मेडिकल इंफॉर्मेशन है उससे बहुत ज्यादा रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़ाई जाती थी। अब वल्लभी यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा फेमस क्यों है? बिकॉज इट वॉज अ हीनयान सेंटर, मतलब यहाँ पे हीनयान नॉलेज दी जाती थी, हीनयान सेंटर ऑफ बुद्धिज्म, मतलब हीनयान को पढ़ाया जाता था, हीनयान जो फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म था उसका ये एक मेजर लर्निंग सेंटर था। इसका फाइनेंशियल पोजीशन 755 CE तक बहुत अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद जैसे ही अरब इन्वेजन होता है 12th सेंचुरी में, ये भी यूनिवर्सिटी जो थी ये डिक्लाइन कर गई। उसके बाद आता है हमारा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। इसकी अगर बात करें तो इसको एस्टैब्लिश किसने किया था? इसको पाल डायनेस्टी के एम्परर धर्मपाल ने कंस्ट्रक्ट किया था, धर्मपाल ऑफ पाला डायनेस्टी ने इसकी स्थापना की थी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय एम्परर धर्मपाल ऑफ पाला डायनेस्टी। इसको नॉर्दर्न मगध एरिया में गंगा के बैंक पे एस्टैब्लिश करवाया गया था, एस्टैब्लिश किया था धर्मपाल जी ने। और इस यूनिवर्सिटी को ये फेमस क्यों थी? क्योंकि ये रिलीजियस टीचिंग्स प्रोवाइड करती थी और इसके 108 स्कॉलर्स जो थे वो इंचार्ज थे, आचार्य थे अलग अलग टेम्पल्स के। साथ में इसमें बहुत सारे तिब्बत के स्कॉलर्स आए थे, बहुत सारे स्कॉलर्स फ्रॉम तिब्बत, तिब्बत रीजन से बहुत सारे स्कॉलर्स आए थे जो यहाँ पे हायर एजुकेशन या हायर स्टडीज करने के लिए आए थे। जो इसकी सेंट्रल बिल्डिंग थी दैट वॉज कॉल्ड विज्ञान भवन, विज्ञान भवन, सेंट्रल बिल्डिंग जो था उसको क्या बोलते हैं? दैट वॉज कॉल्ड विज्ञान भवन, सेंट्रल बिल्डिंग जो था। और साथ में एक द्वार पंडित होते थे जो मेन गेट पे बैठे रहते थे, मेन गेट पे कौन बैठे रहते थे? द्वार पंडित, द्वार पंडित जो थे वो मेन गेट पे बैठे रहते थे। इसके अलावा जो हाईएस्ट अथॉरिटी थी इस यूनिवर्सिटी की उसको महास्थावर कहते थे, ही वॉज नोन एज महास्थावर, मतलब जो बाकी यूनिवर्सिटीज के कुलपति थे, ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड द कुलपति ऑफ द गुरुकुल, और जो चांसलर होते थे उसी टाइप से इनका पोजीशन था, he was the highest authority, और इसको कुलपति ऑफ गुरुकुल्स भी कहा जाता था। मेन अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो व्याकरण, लॉजिक, फिलॉसफी, तंत्र शास्त्र, तंत्र शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट था, और कर्मकांड जो था वो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था। इस यूनिवर्सिटी में, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो थी, दैट वॉज फेमस फॉर तंत्र शास्त्र। इसको धीरे धीरे प्रोमिनेंस मिलता गया। और उसके अलावा इसमें डिग्री कौन सी मिलती थी? ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो थी वो मिलती थी। जब भी कॉन्वोकेशन होता था उस टाइम पे जो रूलर होते थे बंगाल के, वो यहाँ पे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एरिया जो था उसमें ये डिग्रीज देते थे। और बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार खिलजी अगेन इसने डिस्ट्रॉय कर दिया इस यूनिवर्सिटी को भी, कब? 1203 CE में डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी इन 1203 CE। तो इसी के साथ जो ये एक विक्रमशिला बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी था उसका डिक्लाइन हो गया। याद रखिएगा यहाँ पे तांत्रिक एजुकेशन दी जाती थी, या तंत्र शास्त्र जो था, तांत्रिक बुद्धिस्ट, तांत्रिक बुद्धिस्ट उसका ये फेमस सेंटर था, ठीक है? तो जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी था दैट वॉज अ फेमस सेंटर ऑफ वॉट? तांत्रिक बुद्धिस्ट या तांत्रिक एजुकेशन। उसके बाद आता है हमारा उदांतपुरी यूनिवर्सिटी। उदांतपुरी यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो ये यूनिवर्सिटी जो थी ये भी पाला के किंग ने ही इसको कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश किया था जिस टाइम पे वो पावर में थे। तो बस ये याद रखिएगा, पाला किंग ने इसको एस्टैब्लिश किया था। ओके,
और उदांतपुरी जो थी ये इतना ज्यादा रेपुटेशन, जैसे नालंदा, विक्रमशिला, इन सब का जो रेपुटेशन था उतना रेपुटेशन इसको नहीं मिला, लेकिन फिर भी बहुत सारे 1000 के अराउंड मॉन्क्स जो थे वो यहाँ पे पढ़ते थे, और यहाँ पे टिबेट से भी बहुत सारे मॉन्क्स आते थे पढ़ने के लिए। तो उदांतपुरी वॉज गुड बट इट वॉज नॉट दैट फेमस, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्या, जगदल्ला यूनिवर्सिटी। इसको किसने एस्टैब्लिश किया, इसको रामपाल ने एस्टैब्लिश किया ऑफ पाला डायनेस्टी, ठीक है। पाला डायनेस्टी के रामपाल जो थे उन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया, इस मोनेस्ट्री को बनाया और इसका नाम रखा जगदल्ला। और ये जो था ये बुद्धिस्ट एजुकेशन का 100 सालों तक एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर रहा, और उसी के बाद 1203 के अराउंड में ये भी डिस्ट्रॉय हो गया। बहुत सारे स्कॉलर्स जो थे उन्होंने यहाँ के जो टेक्स्ट थे उसको टिबेटियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है, टिबेटियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है, तो इसीलिए ये यूनिवर्सिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारा अगला यूनिवर्सिटी, दैट इज मिथिला यूनिवर्सिटी। मिथिला यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा पुराना यूनिवर्सिटी था, उपनिषदिक एज से, उपनिषदिक एज से, उपनिषद के टाइम से, उपनिषदिक एज से ये जो यूनिवर्सिटी रहा है मिथिला का, ये उस टाइम से प्रोमिनेंट रहा है, और ये ब्राह्मणिकल एजुकेशन सेंटर रहा है। यहाँ पे ब्राह्मणिकल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। इसको पहले क्या बोला जाता था, विदेहा, इट वॉज कॉल्ड विदेहा यूनिवर्सिटी। मिथिला से पहले इसको विदेहा कहा जाता था। और अगर हम पुराने, मतलब जो भी हमारे टेक्स्ट है उसकी बात माने, तो राजा जनक के टाइम पे, राजा जनक से लेके, राजा जनक जो थे वो इस पर्टिकुलर मिथिला जो एरिया है उसके राजा हुआ करते थे, राजा जनक से बुद्धिस्ट के टाइम पर, बुद्ध के टाइम पे, बुद्धिज्म के टाइम तक इसका ग्लोरी रहा था मिथिला यूनिवर्सिटी का। धीरे धीरे इस प्लेस को, मतलब जो लॉर्ड कृष्णा के डिवोटीज थे उन्होंने इसको कन्वर्ट कर लिया, मतलब था ये यूनिवर्सिटी बट उतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं रहा था। अगर फेमस पोएट की बात करें, विद्यापति का आपने नाम सुना होगा, विद्यापति बहुत ये फेमस पोएट हैं बिहार के। विद्यापति जो थे उन्होंने बहुत सारी पोएम्स जो है लिखी हैं, और संस्कृत लैंग्वेज में भी लिखी है और हिंदी लैंग्वेज में भी लिखी है। और 12th से 15th century तक ये जो पूरा एरिया था इसमें बहुत ज्यादा लिटरेचर, फाइन आर्ट, साइंटिफिक स्टडी, ये सब कुछ पढ़ाया जाता था इस यूनिवर्सिटी में, मिथिला यूनिवर्सिटी में। साथ में तर्कशास्त्र, न्यायशास्त्र, उपनिषद जो था, गंगनीश उपाध्याय जो थे उन्होंने एक नया लॉजिक का स्कूल खोला था, दैट वॉज कॉल्ड नव्य न्याय, वो भी इसी से बिलोंग करते थे, गंगेश उपाध्याय, इन्होंने क्या किया था, नव्य जो नया लॉजिक होता है या नव्य न्याय जो होता है उसको इन्होंने फाइंड किया था, नव्य न्याय। और साथ में बहुत सारे तत्व चिंतामणि जो थे उन्होंने भी बहुत अच्छा लिखा, और मिथिला ने बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज को जन्म दिया है, बहुत सारे ऐसे लिटरेरी सेलिब्रिटीज को जन्म दिया है। और ये जो यूनिवर्सिटी था ये एक इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी था, कब तक, टिल द टाइम ऑफ अकबर, टिल द टाइम ऑफ एम्परर अकबर, अकबर के समय तक ये एक इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी रहा, ठीक है। उसके बाद अगर हम अदर यूनिवर्सिटीज की बात करें, अदर इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज की, तो हमारा आता है नादिया यूनिवर्सिटी। इसकी अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, इट इज सिचुएटेड एट कॉन्फ्लुएंस ऑफ, किसके किसके कॉन्फ्लुएंस पे, एक हमारी गंगा रिवर है उसके कॉन्फ्लुएंस पे, और दूसरा कौन सा है, जालांगी रिवर जो बंगाल में रहती है, जालांगी रिवर जो बंगाल की है वहां पे, उसके कॉन्फ्लुएंस पे नादिया यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है। इसको पहले नव द्वीप के नाम से जाना जाता था, नव द्वीप, फॉर्मरली इट वॉज कॉल्ड नव द्वीप, ओके, फॉर्मरली इट वॉज नोन एज नव द्वीप। और नादिया एजुकेशन जो था उसमें 3 सेंटर थे, नवद्वीप, शांतिपुर और गोपालपुर,
और इसमें गीत गोविंद जो होता है, जयदेव जिनने जो लिखा था, जयदेव का जो रिवर्बरेशन था वो यहीं पे हुआ था। बहुत सारे स्कूल्स ऑफ लॉजिक यहाँ पे डेवलप हुए थे, लर्निंग सेंटर अच्छा था। तो ये था हमारा नादिया यूनिवर्सिटी। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी है उज्जैन की यूनिवर्सिटी, उज्जैन यूनिवर्सिटी। अगर इसकी बात करें तो उज्जैन यूनिवर्सिटी जो था वो बेसिकली सेक्युलर लर्निंग के लिए, जैसे मैथ्स हो गया या एस्ट्रोनॉमी हो गया, सेक्युलर लर्निंग दैट इज मैथ एंड व्हाट एस्ट्रोनॉमी, इन सब के लिए ये फेमस था। उसके अलावा इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो सालोतगी, ये कहाँ पे है, ये सिचुएटेड है कर्नाटका में। कर्नाटका का ये एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग सेंटर रहा है और इसमें बहुत सारे हॉस्टल्स थे बच्चों के लिए रहने के लिए। और ये जो कॉलेज था 945 CE में बहुत ज़्यादा नारायण मिनिस्टर थे कृष्णा थ्री के, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको फेमस पेट्रोनेज दिया। उसके अलावा इनाइरियम जो है, इनाइरियम आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इनाइरियम सिचुएटेड है। ये एक फ्री बोर्डिंग और ट्यूशन था बच्चों के लिए, 340 स्टूडेंट्स को ये रखता था। और साथ में ये साउथ इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग सेंटर था, श्रृंगेरी और कांची जो था वो इसका इम्पॉर्टेंट सेंटर था। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी थी। लेकिन जैसा कि हमने देखा, जो ये यूनिवर्सिटीज थी, धीरे धीरे इन सबका डिक्लाइन होने लगा। अब डिक्लाइन क्यों हुआ, डिक्लाइन वॉज फर्स्ट रीजन क्या था डिक्लाइन का, सबसे पहला रीजन जो था, इस टाइम पे एजुकेशन सिस्टम बहुत हाई था, बहुत सारे लोग अलग अलग देश से, विदेश से इंडिया में पढ़ने के लिए आते थे। इंडिया के स्कॉलर की बाहर बहुत डिमांड थी, आउटसाइड में बहुत ज्यादा डिमांड थी, आउटसाइड इंडिया दे वर वेरी इन डिमांड। लेकिन फिर ये यूनिवर्सिटीज क्यों डिक्लाइन हुई, सबसे पहला रीजन मुस्लिम इन्वेजन। मुस्लिम्स जो थे वो इंडिया में इन्वेड किए और उन्होंने ये जितने भी हायर लर्निंग सेंटर थे, स्पेशली बुद्धिस्ट हायर लर्निंग सेंटर थे, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया और उसको किसमें कन्वर्ट किया, कन्वर्टेड इनटू मोस्क, मोस्क में इन सबको कन्वर्ट कर दिया जो भी यूनिवर्सिटीज थी। साथ में जैसे जैसे जो बुद्धिस्ट सिस्टम था उसका डिक्लाइन हो रहा था, वैदिक जो नॉलेज थी, वैदिक इंस्टीट्यूशन या वैदिक जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ये कहाँ जा रहा था, ये साउथ के साइड इलोप होने लगा। जैसे जैसे स्टार्टिंग में जो जैसे ही मुस्लिम इन्वेजन हुआ उस टाइम पे बुद्धिस्ट जो था वो तो डिक्लाइन कर ही रहा था, तो ये जो वैदिक सिस्टम था, ये सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ये साउथ में मूव करने लगा। और इनको पेट्रोनेज किसका मिला, विजयनगर रूलर्स का इनको पेट्रोनेज मिला था। तो वैदिक सिस्टम का पेट्रोनेज जो मिला था वो विजयनगर के रूलर्स को मिला था। आपने माधवा का नाम सुना होगा, उन्होंने बहुत सारी कमेंट्रीज लिखी हैं वेदास की। तो इसी के कारण जो डिक्लाइन हो रहा था एंशियंट इंस्टीट्यूशन का, वो मेजरली इन दो रीजंस के कारण था। साथ में जो वोकेशनल सिस्टम ऑफ लर्निंग था, वोकेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, जैसे मैंने आपको बताया क्राफ्ट्स थे, स्किल्स थे, ब्लैकस्मिथ्स अपने बच्चों को या किसी अपने जो भी उनका शिष्य होगा उसको सिखाते थे। तो ये सारी जो सिस्टम थी ये धीरे धीरे, मतलब ब्रिटिश टाइम तक चली, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश आए उसके बाद जो ये सिस्टम थी ये धीरे धीरे विलुप्त हो गई। क्यों, क्योंकि जो ये क्राफ्टशिप थे या जो आर्टिजन्स थे, इनका जो सामान था वो कोई खरीद ही नहीं रहा था। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया था अपने प्रोडक्ट से, अपने इंडस्ट्री से डेवलप्ड जो प्रोडक्ट थे उससे। तो यही था हमारा डिस्कशन। बाय बाय, टेक केयर, और सारे चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ओके।